साउंड देख रहे थे, साउंड देख रहे थे कि डिफरेंट साउंड कैसे पहचाने उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि साउंड कैसे पहचानना। पहला देखा हमने की ध्वनि देने वाले शब्द कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो ऊ की ध्वनि जो देते हैं वो ऊ की ध्वनि देने वाले शब्द कौन से हैं वो देखते हैं। छोटा ऊ की ध्वनि देने वाले शब्द जैसे पी यू टी कूट है, कूट मने हो गया रखना, पी यू टी पुट पुट मैंने क्या हो गया रखना, ये किसकी ध्वनि दे रहा है ऊ की ध्वनि दे रहा है, या किसकी ध्वनि दे रहा है ऊ की ध्वनि दे रहा है, ठीक है। पुट मैंने रखना, ये ऊ की ध्वनि को देने वाले शब्द हैं। जैसे फुल है एफ यू डबल एल, फुल मैंने भरा हुआ एफ यू डबल एल, फुल फुल मैंने भरा हुआ, ये यू है ना, ये किसकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ऊ की ध्वनि उत्पन्न करने वाला शब्द हो गया फुल। यानी ये मीनिंग जो है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पर डाल लाइन खींची हुई है, वहाँ ऊ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, फुल मैंने भरा हुआ। जैसे लुक है एल डबल ओ के, इसके नीचे लाइन है तो लुक मैंने देखना, एल डबल ओ के लुक, लुक मैंने क्या हो गया देखना, तो ये किसकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ऊ जरूरी नहीं है यू ही आए, जैसे इसमें पुट है तो ये भी ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, फुल है तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इधर लुक है तो भी किसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। जैसे बुक है यू ई डबल ओ के बुक, बुक मैंने हो गया पुस्तक, तो ये बुक जो है ना वो भी किसकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पर ऊ की बुक आ रही ऊ की ध्वनि, तो इस प्रकार जरूरी नहीं है यू आए तो ही ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी, उच्चारण करने पर पता लगता है वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसका ध्यान रखना है। जैसे बुश है बी यू एस एच, बुश मैंने होता है झाड़ी, जंगलों में झाड़ियाँ होती है ना वो बुश कहलाती है, बी यू एस एच, इसमें ये किसकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो ये ऊ की ध्वनि को उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। जैसे पुट है, फुल है, लुक है, बुक है, बुश है, किसकी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऊ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही बड़ा ऊ की ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ये छोटा ऊ था, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ की ध्वनि देने वाले शब्द कौन से हैं, जो बड़ा ऊ की ध्वनि देते हैं, बड़े ऊ की ध्वनि को जो देते हैं, जैसे फूल है एफ डबल ओ, फूल मैंने क्या होता है मूर्ख, मूर्ख है उसे हम फूल बोलते हैं, तो ये एफ डबल ओ, अब इसमें भी देखो डबल ओ के है मूर्ख, लेकिन इसमें इसमें अंतर है, ये जो है छोटा ओ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है वो, और ये फूल है वो बड़ा, फूल मूर्ख बड़ा ओ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये यहाँ पर बड़ा ओ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये छोटा ओ बुक में आ रहा है, इसमें बड़ा ओ आ रहा है, ये ध्यान रखना है। जैसे टूल है टी डबल ओ एल, इसके नीचे रैन चीज थी टूल, टूल मैंने क्या हो गया औजार, तो ये जो टूल है ना ये टूल कौन सी उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, बड़ा ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बड़ा ऊ की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे स्कूल है एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, तो स्कूल में छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ आता है, स्कूल स्कूल मैंने विद्यालय, ये स्कूल जो है ना ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, बड़ा ऊ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, स्कूल मैंने विद्यालय, ठीक है ना। जैसे सून है एस डबल ओ एन, जल्दी कोई काम करना, सून एस डबल ओ एन सून मैंने जल्दी, तो ये जो सून है ये कौन सी उत्पन्न कर रहा है, उच्चारण करने से पता लग जाएगा आपको, बुक है बुक बुस, ठीक है ना, उच्चारण देखना, सून स्कूल टूल फूल, रूफ जैसे हम कहते हैं आर डबल ओ एम, रूफ मैंने छत होता है, रूफ रूफ मैंने छत, तो ये रूफ जो है ना ये
कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? बड़ा उ की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो ये छोटा उ की ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, ये बड़ा उ की ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। आपको इनमें इनमें अंतर पता होना चाहिए उच्चारण करने का, कि किस उच्चारण से ध्वनि जो है वो साउंड जो है डिफरेंट साउंड किस में आ रहा है। जैसे ये तीन दे दे, फूल टूल स्कूल, फिर बुक दे दे, तो आपको वही जैसा है FOOL TOOL स्कूल और बुक दे दे, तो आपको पता होना चाहिए बुक जो है वह छोटा उ की ध्वनि उत्पन्न करता है, बाकी ये तीनों फूल टूल और स्कूल जो है बड़ा उ की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्वनि का उत्पन्न उच्चारण कहाँ पर छोटा उ का हो रहा है, कहाँ पर बड़ा उ का हो रहा है, कहाँ पर छोटी ई आ रही है। हमने पढ़ दिया पहले अ का उच्चारण, आ का उच्चारण, छोटी ई का उच्चारण, बड़ी ई का उच्चारण, छोटा उ का उच्चारण वाले शब्द बड़ा उ का उत्तर, ये सारे पढ़ दिए हमने। तो इनका आपको डिफरेंट अलग अलग पता होना चाहिए कि इसके इस वाक्य में इस मीनिंग में उच्चारण में अ आ रहा है या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, छोटा उ आ रहा है, बड़ा उ आ रहा है, ये आपको उच्चारण में ध्यान रखना है।